तो जी आगाज़ सफ़र बड़े अरसे बाद, बल्कि आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं और मोहम्मद एयर टूर पे एक साथ रवाना है। इस दफ़ा हम लोग पेशावर से कराची की जनाब, और वहाँ पे हमारा तीसरा उस्ताद हैदराबाद में हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हम उसी की जानब रवाना है। एयर सियाल का टिकट है इस टाइम ट्राई कर रहे हैं, और ब्रांडिंग तो उसकी पसंद आई है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। वी बीन जॉइंड विद फरहान बोगरा, बहुत दिन बाद पहली दफ़ा एयर सियाल पे जा रहे हैं। यस, लेट्स सी कैसा कैसा जाएगा। हालांकि हमारे सारे दोस्त हैं। आपकी मोहम्मद आपको क्या ख्याल है इस बारे में? पता नहीं, देखते हैं कैसा होता है। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि हमें खुराक मिलेगी, लेकिन क्या किया, एक सुपर सैनिटाइजर आया हमारे हाथ में, एक सेपरेट सैनिटाइजर हमारे हाथ में मार के चलेगा। कुछ खाना नहीं और इतनी भूख लगी हुई है कि मैं सुबह सिर्फ नाश्ता किया और अभी काफ़ी देर हो गई है, और मुझ जैसा बंदा जो हर वक्त खाना मांगता है उसके लिए कुछ था नहीं, तो एक बैड फैक्टर ये था। अबाउट द क्रू, वन ऑफ द क्रू मेम्बर बिल्कुल ऐसे इनफॉर्मल बात कर रही थी कि मुझे लगा ही नहीं। हाँ, शायद हो सकता है वो फील लाइक हूँ कि आप लोगों को फीलिंग दे रही हूँ, तो शायद इस वजह से वो बर्ताव पैसेंजर्स के साथ ऐसा रंग करें। अभी तक फ्लाइट स्मूथ है। अब देखते हैं लैंडिंग किस तरह है। टेक ऑफ तो सही था, अभी तक अल्लाह का शुक्र स्मूथ है। बच्चे हर फ्लाइट पे होते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये हम कराची पहुंच गए हैं। तो शिराज, आपका एयर सियाल के बारे में क्या रिव्यू है? इन शॉर्ट खाना नहीं था यार, क्या अजीब से। सिर्फ खाना या और भी कोई रीज़न थी? और रीज़न ये थी कि जहाज़ जो था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा आउटडेटेड था, उसमें उन्होंने थोड़ी मेंटेनेंस ही की थी और सब जगह ठीक थी, लेकिन जो मेरी वाली विंडो थी वो, क्योंकि मैं गैस बहुत बनाता हूँ, तो वो जहाज़ की फॉग जो है ना वो शीशे तक आ गई थी, वो एक सिक्योरिटी कंसर्न था। उसके अलावा पायलट भी जो था वो सही था, लेकिन वो लैंडिंग थी मुझे कोई मज़ा नहीं आया। यार मैं तो ये कहूँगा कि जो चिकन था वो बहुत परफेक्ट था, और हमें ये मसला होता है कि हमारे साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं ना, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं आई। दे ईज़ली अलाउड की चीज़ तुम रबाब ले जाओ, सितार ले जाओ। और फिर आते हैं जहाज़ में, तो ये है कि पहले तो मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था तो दरवाजे में कोई इशू था, और हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब लैंडिंग की ना बहुत फास्ट और रफ लैंडिंग, तो मैनेजमेंट जो है ना उसको मैं 10/10 दूंगा, तो मैं खुश हूँ। और जो कि दूसरा क्रियो जो ऊपर जहाज़ में जो कप्तान सप्तान
केबिन क्रू केबिन हां तो मैं उसको डाउन केबिन क्रू की जो अनाउंसमेंट थी वो भी बहुत उल्टी-पुल्टी थी हां जो गलत होते थे अंग्रेजी में गलत है उर्दू भी गलत और इवन जो वो जो फीमेल थी जो कि एरोसिस थी उसका जो बोलने का तरीका था बहुत ही ज्यादा कैजुअल और मतलब वो कैजुअल जो थी इनिशियली जब वो पैसेंजर्स आ रहे थे उनको इस तरह ग्रीट करती थी जैसे कि फील एट होम सीन है क्या वो साहब फर्स्ट टाइम लगेगा नहीं यार ऐसे एक न्यू थिंग फर्स्ट टाइम हमने ट्रैवल किया इसका तब पता लगेगा दो तीन जगह और लेकिन यह हाँ उसको कप्तान को चाहिए कि थोड़ा सा क्योंकि आज बहुत मजे का मौसम था तो थोड़ा सा स्मूथ लैंडिंग पे थोड़ा सा उसको जरा समंदर मंदर दिखाता है इतना अच्छा मौसम है तो आज दिखाया नहीं ठीक है चलो बॉयज़।